हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये नवोदय का पेपर 2020 सॉल्व करूंगा, पैसेज नंबर 3। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं ये पैसेज पूरा रीड कर लेता, फिर आपको इसका हिंदी में मतलब बताता हूँ। फायर इज टू ब्लेम फॉर द लॉस ऑफ काउंटलेस लाइव्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीस ईच एंड एवरी ईयर। फायर फाइटर्स हेल्प प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर प्रॉपर्टी From injury and damage, they put their lives on the line every time they respond to a call. While on duty, firefighters must be ready to respond in a matter of minutes to just about any disaster that may occur. At every fire scene, a superior fire officer takes command and directs the jobs of all the people at the scene. Some firemen connect the hose lines to hydrants, others manually operate the pumps to send water to the hose. Teams of firefighters also operate ladders used to reach distance high in the air. अब मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताऊंगा। प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों और असंख्य जीवनों की हानि के लिए आग को दोष दिया जाता है। अग्निशमनकर्ता चोट और हानि से लोगों की और उनकी संपत्ति की रक्षा करने में सहायक होता है। उन्हें जब भी कोई सूचना मिलती है, हर बार वे अपनी जान हथेली पर लेकर प्रस्तुत करते हैं। जब भी काम पर हो तो अग्निशमनकर्ता को किसी भी आपदा में घटित होने पर कुछ ही मिनटों में तैयार होकर प्रस्तुत होना होता है। प्रत्येक अग्निकांड के स्थल पर एक विशेष अधिकारी निर्णय संभालता है और घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को काम का आदेश देता है। कुछ अग्निशमनकर्ता होज पाइप को पानी के नलों को से जोड़ते हैं। अन्य लोग होजों तक पानी भेजने के लिए हाथों से पंप चलाते हैं। अग्निशमनकर्ताओं के दल ऊंची जगहों तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग भी करते हैं। अब मैं इनके क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 71। विच इज नॉट ट्रू अबाउट फायर फाइटर्स? ए, दे आर ब्रेव, वो ब्रेव है। दे ऑफन पुट देयर लाइफ इन डेंजर, वो अपना लाइफ डेंजर में डालते। दे नेवर पुट देयर लाइफ इन डेंजर, वो अपनी लाइफ डेंजर में नहीं डालते। दे आर हाईली ट्रेन, वो लोग हाईली ट्रेन रहते। तो सी ऑप्शन सही है। दे नेवर पुट देयर लाइफ इन डेंजर, वो अपनी लाइफ कभी डेंजर में नहीं डालते, कि ये फायर फाइटर्स के बारे में ट्रू नहीं है। तो अब क्वेश्चन नंबर 72। ए फायर फाइटर हैज टू प्रिपेयर ए एक्सटिंग्यूश ए फायर इन। तो फायर फाइटर्स को कई भी जगह कब पहुँचना चाहिए? मिनट्स में, आवर्स में, डेज में या वीक्स में? तो फायर फाइटर्स को मिनट्स में पहुँचना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 73। फायर फाइटर्स पुट द लाइफ्स ऑन द लाइन मीन्स। फायर फाइटर्स पुट द लाइफ्स का ये लाइन का मतलब क्या है? दे स्टैंड इन अ लाइन, वो लाइन में खड़े रहते। दे फाइट फायर, वो लोग फायर से फाइट करते। दे पुट द लाइफ्स इन डेंजर, वो अपनी लाइफ डेंजर में डालते। दे कनेक्ट द होज लाइन टू हाइड्रेट, वो होज लाइन को हाइड्रेट से करते। तो सी ऑप्शन ही सही है, वो अपनी लाइफ डेंजर में डालते। तो ऑप्शन सी ही सही है। तो अब क्वेश्चन नंबर 74। टू ऑपरेट मैनुअली मीन्स, ये ऑपरेट मैनुअली मीन्स का मतलब मेक ए मैन वर्क, मैन को वर्क कराना। वर्क विद देयर हैंड्स, हैंड से वर्क करवाना। यूज ए मशीन, मशीन यूज़ करना। यूज वंस बॉडी, दूसरे की बॉडी यूज करना। तो इसमें बी ऑप्शन ही सही है, वर्क विद देयर हैंड्स। तो अब क्वेश्चन नंबर 75। द वर्ड ऑकर मीन्स द सेम एज, ऑकर का मतलब है हैपन। तो कम नहीं होगा, क्योंकि कम मतलब आना होता है, और कॉल मतलब फ़ोन करना, और फायर का मतलब आग। तो हैपन होगा, तो बी ऑप्शन ही सही है। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे पैसे नंबर 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। ये वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सब्सक्राइब द चैनल CTNE फुल फॉर्म चाइल्ड टेक एंड एजुकेशन।